शिमला जिला के रामपुर स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में श्री कृष्ण कथा का शुभारंभ हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ रामपुर की DSP शिवानी महला ने किया। स्वामी धीरानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से श्री सत्यनारायण मंदिर के पवित्र प्रांगण में आज 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें कथा वाचन करने के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा व्यास साध्वी सुश्री दिवेशा भारती जी पधारे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में छिपे हुए जो आध्यात्मिक रहस्य हैं वो संगत के सामने प्रकट करेंगे। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और सनातन धर्म से सबको जोड़ने के लिए भारत ही नहीं विश्व भर के अनेक कोने कोने के अंदर इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन करता है। कथा में प्रतिदिन यहाँ एक और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया जाएगा, उनका वाचन किया जाएगा। उनके साथ ही साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसके बारे में भी लोगों को रोज जागरूक किया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मैं सबका आह्वान करता हूँ कि सभी श्री कृष्ण कथा में पहुँचें और धर्म लाभ कमाएँ। जय श्री कृष्ण। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।